बार डिटेल में बताना चाहती हूँ। मैं एशिया की पहली लड़की हूँ जिसने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की, 10 साल की उम्र में 12वीं किया, 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करके मैं इंडिया की यंगेस्ट जर्नलिज्म ग्रेजुएट बनी, और 15 साल की उम्र में पीजी किया। जब मैं 16 ईयर्स की थी तब मैंने पीएचडी में दाखिला लिया, और टेबल टेनिस में नेशनल चैंपियन रही, साउथ एशियन चैंपियन भी हूँ, और मुझे वर्ल्ड में 6th पोजीशन पे मिला है, और मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ जिसे हम एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, और टाइपिंग में A to Z सिर्फ 2 सेकंड में टाइप कर सकती हूँ, और मैं एक पियानो प्लेयर और सिंगर भी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद की जो बिरयानी होती है वो सिर्फ 25 मिनट में बना सकती हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जिंदगी के मायने बदल देते हैं। और आज हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि सब खुशनुमा हस्ती हमारे बीच है, तो मैं उन्हें सलाम करती हूँ। नेक लोगों की सोबत में हमेशा भलाई ही मिलती है, जब हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। तो ऐसे ही नेक लोगों में से हमारे देशम सर, जिन्होंने इकरा बिस्मे रब्बिका, जो कुरान की पहली आयत है जो हमें तालीम के बारे में बताती है, उसकी तामीर की है, जिसके वजह से आज यहाँ के स्टूडेंट्स पत्रकारिता और अलग अलग क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए। मुझे तालियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जोर से। यस, तो इल्म की वजह से दोस्तों में इजाफा होता है, और यहाँ पे जितने भी लड़कियां हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या राय बनना है तो एक बुलंद नसीब चाहिए, पर मदर टेरेसा बनना है तो एक नेक दिल चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लड़कियों में वो खूबी है, मैं ये मानती हूँ, क्यों, और सिर्फ नेक दिली को निखारना चाहिए, और ज्यादा सजने संवरने के बाद में भी मिट्टी में मिलना है, अगर आप रूह को सवारोगे तो उसे रब के पास जाना है। तो सवारना ही है तो रूह को सवारो, जिस्म को नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ तालीम के द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और आपकी वालिदैन जो एक कुदरत का नायाब तोहफा है, जो हर वक्त आपको दुआएं देती रहती है, चाहे वो अपने पास हो या ना हो, जैसे झील नदी सूखने पर भी अपनी नमी रखती है, वैसे ही अपनी माँ हमेशा अपने बच्चों को दुआओं में रखती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका हुसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। और मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी जबान की तेजी उस पर मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया। जैसे कि मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो पुराने शहर के चंद्रन गुट्टा का जो सेंट हिल स्कूल है वहां से किया, तो वहां के जो हमारे जो चेयरमैन थे आजम सर और सादिक सर, उन्होंने नमाज की फिक्र अपने पर फर्ज कर ली और दुनिया के फिक्र से आजाद हो गए, और आज कामयाबी उनकी कदम चूम रही है। और मैंने उन्हें गर्मियों में रोजों में देखा, और एक प्रोफेशनल एडुकेशनिस्ट की तरह भी देखा, और सर्दियों में वजू करते देखा, जो आज उनके मशहूर और मारूफ होने की एक वजह है। तो आप भी अगर उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो जरूर कामयाब हो जाओगे, क्योंकि अक्सर मैं हमेशा बताती हूँ कि फजर, जोहर, असर, मगरिब और इंशा 5 वक्त की नमाज है। अगर आप फजर सोने में, जोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में और ईशा टीवी पर काटते हैं,
तो आपको समझना होगा कि आपकी जिंदगी भी कटने वाली है, क्योंकि जो इंसान नमाज के सजदों में ज्यादा झुकते हैं उसे जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता।